Hello guys, welcome in the new video of English Grammar of Lothika Blogs Fix Easy. आज हम सीखने जा रहे हैं Future Perfect Continuous Tense. Future Perfect Continuous Tense is also known as Future Perfect Progressive Tense because in this tense, we talk about the action that will continue up until a point of time in future. बाकी tenses की तरह इस tense को भी तीन पार्ट में डिवाइड करके बहुत आराम से समझा जा सकता है. एक अफर्मेटिव फॉर्म, दूसरा नेगेटिव फॉर्म और तीसरा इंटरोगेटिव फॉर्म. आज के वीडियो में हम इसके केवल अफर्मेटिव फॉर्म को ही बहुत आराम से समझेंगे क्लियर करते हुए. तो अफर्मेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस की पहचान ये है कि जब आपको हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात हो रही है और आपको फिर उस फॉर्मेट पर बेस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं जो हम अब देखने जा रहे हैं. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आज के टेंस पर बेस्ड सेंटेंसेस किस फॉर्मेट को यूज करके बनेंगे. तो आज का फॉर्मेट कहता है कि यूज करिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, हैव, बीन, आप ऐसा कि ऐसा याद करके यूज करिए और उसके बाद V1 प्लस ING लगेगा. यहाँ पर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है जिसमें ING लगने से इस V1 प्लस ING को एक साथ जाना जाता है वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से. इसके बाद सेंटेंस में आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं और हमेशा एक टाइम रेफरेंस के साथ ही यहाँ पर सेंटेंस बनेगा. इसलिए पूरा फॉर्मेट हो गया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस. यहाँ पर will have been एक साथ एक auxiliary verb है और V1 plus ING verb का first form ING के साथ जिसे present participle हम कहते हैं. आइए अब इस format को use करके examples देखते हैं कि sentences इस वाले tense के किस तरह बनेंगे. पहला example देखिए, वह 2 घंटे से game खेल रहा होगा. He will have been playing game for 2 hours. Will have been auxiliary verb और playing यहाँ पर V1 के साथ ING आ गया. He will have been playing game for 2 hours. Rina 6 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी. Rina will have been waiting for him since 6 o'clock. देखिए format में किस चीज़, यहाँ पर Rina subject हमने fit किया, will have been auxiliary verb, wait main verb थी V1 उसके साथ ING जोड़ा और for him since 6 o'clock यहाँ पर object और time reference दोनों हो गया. तो Rina will have been waiting for him since 6 o'clock. लड़के 1 घंटे से मैदान में cricket खेल रहे होंगे. The boys will have been playing cricket in the ground for an hour. The boys will have been playing cricket in the ground for an hour. तुम्हारे आने से पहले मैं कई विषयों पर लेख लिख रही होंगी. I will have been writing articles on different topics before you come. I will have been writing articles on different topics before you come. मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रही होंगी. I shall have been starting my business since May. यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि जब subject I या V हो तो will use ना किया जाकर shall use किया जाता है. इसलिए I shall have been starting my business since May. Last example देखिए, माता जी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी. The mother will have been cooking the food for half an hour. The mother will have been cooking the food for half an hour. तो दोस्तों, future perfect continuous tense समझने के लिए आज का वीडियो कितना यूजफुल रहा कमेंट लिखकर जरूर बताएं. साथ ही जुड़े रहें मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए. इस वीडियो को लाइक और शेयर करें. जल्द ही मिलती हूँ future perfect continuous tense के negative form के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.